हवाओं से कह दो खुद को आजमा कर दिखाए, बहुत चिराग बुझाती है एक जला कर दिखाए। नमस्कार, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग बायट सबर्ट लॉ पे फोकस डालेंगे। बायट सबर्ट लॉ की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट की कहानी ख़त्म होती है। ऑस्टर्ड ने कहा था कि देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, लेकिन वो मैग्नीट्यूड बताना भूल गए कि किस कंडक्टर के अबाउट कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस बात को कैलकुलेशन करके क्वांटिटेटिव वे में सबसे पहले बायट सबर्ट लॉ ने दिया था। इफेक्ट ऑफ करंट का उतना ही बेसिक लॉ है जितना कि ओम्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो आज बायट सबर्ट लॉ में हम जान लें कि बायट सबर्ट लॉ ने क्या कहा था। बायट सबर्ट लॉ में उन्होंने करंट कैरिंग कंडक्टर की बात की थी, बेसिकली करंट एलिमेंट। अगर कोई छोटा सा पार्ट काट लें जिससे करंट आई जा रहा है तो इसको करंट एलिमेंट बोलेंगे। लेंथ डीएल ले लीजिए। इस डीएल एलिमेंट से किसी आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लिया गया जो करंट और आर के बीच का एंगल थीटा बन रहा था। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया था और स्टेटमेंट में कुछ पॉइंट्स दिए थे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड डीबी जो है वो प्रोपोर्शनल है, पहला चीज़ करंट जितना पास हो रहा है उससे, दूसरा करंट एलिमेंट के लेंथ, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, चौथा साइन थीटा दैट इज साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर, और अंतिम में रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर। इन सभी बातों को कंबाइन करके जो उन्होंने रिजल्ट दिया था वो डीबी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ गया था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसी इक्वेशन को बायट सबर्ट लॉ का फॉर्मूला या इक्वेशन बोलते हैं। जहाँ पर एक नई चीज़ दिख रही होगी म्यू नॉट, इसको परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, जिस तरह से परमिटिविटी आपको मिला था इलेक्ट्रोस्टेट में, सिमिलर यहाँ पर कांस्टेंट है, बट वैल्यू इसका 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर और वेबर पर मीटर पर एम्पियर होता है। यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, जब भी कोई छोटा सा एलिमेंट हो और उससे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना हो तो एक्सप्रेशन आपको हेल्प करेगा। मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज आप जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके एक्सप्रेशन की बात करेंगे, मतलब आपको वेक्टर फॉर्म भी इसका देखना पड़ेगा। बायट सबर्ट लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो कूलम्स लॉ इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसमें आप सबसे पहले एक्सप्रेशन ले लीजिए। एक्सप्रेशन आपके पास डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर था। हम थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं। चेंज क्या करें, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ठीक है, डी एल के साथ यहाँ आर एक इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ साइन थीटा लिख लेते हैं। नीचे आर स्क्वायर था, एक और आर मल्टीप्लाई ऊपर किया तो नीचे भी कर देते हैं। अब देखिए इस साइड आप म्यू नॉट बाय 4 पाई ओके तो कांस्टेंट लिख लिया आई। डीएल करंट एलिमेंट एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के अलोंग होगा, तो चलो उस पर आप वेक्टर दे देते हैं। आर भी एक वेक्टर है, आप उस पर वेक्टर दे दीजिए पोजिशन वेक्टर। और ए बी साइन थीटा मतलब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय आर क्यूब। जब राइट हैंड साइड आपका वेक्टर हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड भी वेक्टर हो जाएगा। यानी वेक्टर फॉर्म में आप चाहेंगे तो बायट सबर्ट लॉ को इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन तो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दे रहा था, यहाँ से आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगा। साफ है कि डी बी का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर डी एल क्रॉस बी का, और डी एल क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट है,
तो क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन के लिए हमारे पास जो रूल हैं वो आपको मालूम होंगे, ठीक है। पहले भी जब वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट अगर दिक्कत हो रही हो तो मेरा एक लेक्चर देख लेंगे। इसमें आपको एक तो राइट हैंड थंब रूल, दूसरा स्क्रू रूल हेल्प कर देगा, इससे आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, ये पॉइंट जो है वो इस तरफ है, ठीक है। हमको R से DL की तरफ नहीं, DL से R की तरफ, क्योंकि DL क्रॉस R है, आपको क्रॉस करना होगा। थंब आपको इनवर्ड बताएगा, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इनवर्ड को क्रॉस से दिखाते हैं। ऐसा क्यों? अगर हम कोई एरो ले लें तो एरो में दो पार्ट, एक तो टिप होता है, दूसरा उसका बॉटम होता है, जो फीदर है वो क्रॉस जैसा बनाता है। अगर कोई एरो बाहर की तरफ हमारी तरफ आ रहा हो, हमारी आंखों की तरफ आ रहा हो, तो हमको बस उसका टिप दिखाई देगा, तो आउटवर्ड के लिए हम लोग टिप यूज करते हैं। और अगर कोई एरो हमसे दूर जा रहा है, ठीक है, तो हमें जो है उसका क्रॉस मतलब फीदर दिखाई देगा, इसीलिए क्रॉस से इनवर्ड दिखाते हैं। क्रॉस से डॉट से आप केवल मैग्नेटिक फील्ड को ही नहीं दिखाते, आप कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन दिखा सकते हैं, अगर इनवर्ड और अपवर्ड का सेंस बनता है। यहाँ पर दिक्कत यही आती है, मैंने पहले भी बात की थी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, कि आपको डायरेक्शन यहाँ पर जज करना थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टेट में आसान था, क्योंकि सारे डायरेक्शंस मोस्टली प्लेन पे मिलते थे, और प्लेन पे आप सीधे टेस्ट चार्ज अप्लाई करके फील्ड का डायरेक्शन बता देते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको थ्री डायमेंशनल स्पेस में सभी क्वांटिटी मिलेंगे, और अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस में हमको क्वांटिटी मिलता है तो ऑब्वियस है कि हमें थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी। खैर, इसको दूर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन भी हैं। तो इस हिसाब से अगर हमको कोई चीज़ आउटवर्ड दिखाना है तो हम डॉट से, और कोई चीज़ इनवर्ड दिखाना है तो क्रॉस से। वहाँ पर मैंने दिखाया कि DL से R की तरफ जब थंब आप फिंगर कर्ल करोगे तो थंब इनवर्ड बता रहा है, यानी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अभी अगर यही कंडक्टर आपका रहता, सेम कंडक्टर ले लेते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं, और हमारे पास जो पॉइंट होता, यह मान लीजिए कि P प्राइम पॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, करंट मान लीजिए कि उसी डायरेक्शन में है, ओके। तो वैसे केस में अगर डायरेक्शन की बात करें हम मैग्नेटिक फील्ड का, तो अभी DL आपका इधर हो गया, R इधर हो गया, अभी DL से R की तरफ क्रॉस करेंगे, थंब आउटवर्ड बताएगा, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको आउटवर्ड मिलेगा, ओके। ये आप राइट हैंड थंब रूल से इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन राइट हैंड थंब रूल के अलावा भी एक आसान रूल है जो आपको हेल्प करेगा, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में कुछ नहीं, बस आपको याद रखना है कि राइट हैंड का थंब जो है कंडक्टर में जो करंट है उसके अलोंग प्लेस होगा, जैसे यहाँ पर, और पाम को फॉरवर्ड मूव करते हुए हम पॉइंट तक जाएंगे और ओपन करेंगे। पाम जिधर इंडिकेट कर दे मैग्नेटिक फील्ड उधर ही होगा। यहाँ पर पाम का डायरेक्शन आप ध्यान से देखिए, बोर्ड के तरफ अंदर की तरफ है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। अब कुछ लोग कंफ्यूज होकर के यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर, अगर यहाँ से भी हम पाम ला करके ओपन करें तो यहाँ भी तो इनवर्ड है। एक बात याद रखेंगे, राइट हैंड पाम रूल जब आप यूज कर रहे हैं तो राइट हैंड पाम रूल यूज करने के समय बैकवर्ड ड्रैगिंग इज नॉट अलाउड। वैसे किस में आपको अपना पोजीशन चेंज करना होगा, और आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कंडक्टर से, आप एक काम करेंगे, यहाँ पर हैंड ऐसे लेके आएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अब ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद से आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दिखाई दे रहा है आउटवर्ड। इसी तरह से अगर कंडक्टर आप ले लेते हैं, और मान लीजिए कि आपने यही कंडक्टर लिया, ठीक है, करंट का डायरेक्शन बदल दिया, पॉइंट वहीं आपका P डैश है एलिमेंट से R डिस्टेंस, सिचुएशन दोनों में ही मैंने करंट के डायरेक्शन को
अब रिवर्स कर दिया है पहले के कंपेरिजन में, तो यहाँ पर भी करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा, पाम को पॉइंट के पास फॉरवर्ड ले जा करके ओपन कर दिया, ओपन कर दिया तो ये आपको आउटवर्ड बता रहा है, यानी यहाँ पर अब मैग्नेटिक फील्ड आपका आउटवर्ड हो जाएगा। इसी तरह से अगर सेकंड वाले केस में देखना है तो फिर से आपने थंब को करंट के डायरेक्शन के अलोंग प्लेस कर दिया और पाम को ले जा करके पॉइंट के पास ओपन कर दिया, ये इनवर्ड बता रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ड होगा। सो राइट हैंड थंब रूल आपके पास ऑप्शन है, राइट हैंड पाम रूल भी आपके पास ऑप्शन है। राइट हैंड पाम रूल स्ट्रेट कंडक्टर के केस में काफ़ी इफेक्टिव है और इसको आप यूज कर सकते हैं। एक बात और देख सकते हैं, फेस अगर बदलते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है। सेम कंडक्टर के अगर हम राइट फेस में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड था और सेम कंडक्टर के लेफ्ट फेस में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड था। ये लाजमी है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक कंप्लीट लूप बनाता है, एक फेस से इन करेगा तो दूसरे फेस से एग्जिट भी करेगा। आगे हम लोग बायट-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन में आ जाते हैं और एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर। सर्कुलर कंडक्टर में फर्स्ट जो केस लेते हैं वो फर्स्ट केस आपका ऑन इट्स सेंटर वाला लेते हैं। जब ऑन इट्स सेंटर वाला केस लेंगे तो हमारे पास ये सर्कुलर कंडक्टर है, ओके एज्यूम कर लीजिए कि कोई करंट आई कैरी कर रहा है, इसका सेंटर यहाँ पर है और यहीं पर वो पॉइंट होगा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक एलिमेंट कट करना होगा बिकॉज बायट-सेवर्ट लॉ आपको अप्लाई करना है, डीएल एलिमेंट, इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो एलिमेंट से पॉइंट तक का डिस्टेंस आर आप लेते आ रहे हैं और अगर रेडियस को ए ले लें तो यहाँ पर रेडियस और आर दोनों इक्वल हो जाएगा। अब आगे आप सबसे पहले बायट-सेवर्ट लॉ से आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, है ना, ये बायट-सेवर्ट लॉ को यूज कर लिया आपने, यूजिंग बायट-सेवर्ट लॉ। हियर आपके पास क्या है, तो सबसे पहले R इज इक्वल टू ए लिया है आपने और थीटा की बात करें, एवरी पॉइंट पे करंट एलिमेंट से करंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल टू दी रेडियस होगा जहाँ भी आप चले जाएं, इसलिए थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा। और अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो आपके पास dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 जो कि 1 हो जाएगा बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वेशन 1। पूरे कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय ए स्क्वायर। वेरिएबल यहाँ पर डी एल है और डी एल 1 से राउंड में 2 पाई के इक्वल हो जाएगा, इसीलिए लिमिट 0 से 2 पाई ए तक। तो बी एट सेंटर आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लीजिए, आपके पास म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ए तक डी एल का, जो कि फाइनली अगर आप लिखेंगे यहाँ तो आपके पास आ जाएगा बी एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए स्क्वायर 2 पाई ए, कैंसिल करके ये म्यू नॉट बाय 2 आई बाय ए के बराबर हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल हो गया। अभी मैग्नीट्यूड में इतना आपको मिल गया। अगर मान लीजिए कि ये सर्कुलर कंडक्टर जो है एक बार नहीं, है ना, कई बार ऐसे घूमा हुआ है, है ना, मतलब एन टर्न्स, अगर इसके एन टर्न्स हैं तो जितनी बार वो राउंड होकर के आएगा
उतनी बार करंट ऐड होता जाएगा, और करंट ऐड होता जाएगा तो एंटर होने के कारण करंट आपका NI होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपको म्यू नॉट बाय टू NI बाय A, ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर हो गया, N से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब एक बात आती है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, देखिए मैं आपको एक शीट दिखा रहा हूँ प्लास्टिक का, इसमें कुछ भी ड्रॉ नहीं है। अब मैं एक तरफ से इसको ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, देखिए मैंने ड्रॉ एक तरफ से किया, दोनों तरफ से आपको ड्राइंग दिख रहा है, ओके। अब आप एक काम कीजिए, इसमें कोई डायरेक्शन ऑफ करंट मार्क कर दीजिए। मैंने फ़िलहाल ये डायरेक्शन ऑफ करंट मार्क कर दिया, ओके। ये डायरेक्शन आपको आपकी तरफ से क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, ओके, श्योर है। अगर हम इसी सीट को टर्न करते हैं तो आपको ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, यानी सिंगल लूप में आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज होने से डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाता है। जैसे कि आप अपनी तरफ से देख रहे होगे तो क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, मुझे अपनी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। हम एक काम करते हैं, करंट के डायरेक्शन में आप भी देखना, उसको एक एरो मार्क करते हैं, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में एक एरो मार्क करते हैं। और मार्क करने के बाद से मैं बीच वाला लाइन ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको टर्न करके अब आप पढ़ लीजिए आपको लेटर कौन सा दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेटर कौन सा दिख रहा है, तो लेटर आपको दिख रहा होगा एस, एस मतलब साउथ। आप इधर से लेटर पढ़ के देखिए वही, तो आपको एन, एन मतलब नॉर्थ। एक बात याद रखेंगे, जिस फेस में करंट क्लॉकवाइज है वो साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा, और जिस करंट फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज है वो नॉर्थ पोल के जैसा काम करेगा। यानी एक ही लूप ऑफ कंडक्टर साउथ पोल भी है नॉर्थ पोल भी है, डिपेंड करता है आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है। तो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे डायरेक्शन की बात एक लाइन में कर लेनी है, क्लॉकवाइज मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन करते हैं साउथ पोल से, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट करते हैं नॉर्थ पोल से, ओके। क्लॉकवाइज फेस जो है साउथ पोल का बिहेवियर रखता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ से इन करेंगे, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है, इसीलिए वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। तो ये बात आप याद रखेंगे, यहाँ से आपको डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। ओनर सेंटर के बाद से अब हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन। हाँ, एक बात अब थोड़ा सा मैं बताऊँ कि एक्सियल लाइन वाले केस में थोड़ा सा डायग्राम पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप एक्सियल लाइन वाले केस में सर्कल इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो एक्सिस जो है ये कुछ यहाँ से स्ट्रेट पास होगा इस तरह से, ये एक्सिस बन जाएगा, और पॉइंट आपको इस पर लेना पड़ेगा। इस पर अगर पॉइंट हम लेते हैं तो ये थ्री डायमेंशनल स्पेस हम पॉइंट एज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा डायग्राम में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए एक और चीज़ यहाँ बता दूँ मैं, अगर आपने कोई करंट एलिमेंट कहीं भी ले लिया, मान लीजिए करंट एलिमेंट यहाँ ले रहे हैं या करंट एलिमेंट यहाँ ले रहे हैं, जहाँ भी आप करंट एलिमेंट लेना चाहें ले करके देख लें, ये जो इंक्लाइन डिस्टेंस होगा इस तरह से, ओके, उस पॉइंट पे, ओके, उस पॉइंट के साथ परपेंडिकुलर होगा। आप जैसे भी रखेंगे सेंटर तक ले जाएंगे तब भी, और इस तरह से कैसे भी इस आर डिस्टेंस को वेरी करेंगे तो वेरी करने में आपको एंगल आपको TL एलिमेंट के साथ पोजीशन वेक्टर का 90 ही दिखेगा। ये आगे के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, काम आएगा। अभी तब डायग्राम का क्या करें, तो डायग्राम मैंने बोला कि सर्कल जो आपको इस तरह से दिख रहा था इसको थोड़ा सा हम लोग टिल्ट करके ड्रॉ करेंगे टिल्टिंग पोजीशन में, सच दैट थ्री डायमेंशनल व्यू आ जाए। थ्री डायमेंशनल दिखेगा तो नहीं, लेकिन व्यू आ जाए। अब अगर थ्री डायमेंशनल व्यू चाहते हैं तो उस केस में आप एक काम कीजिए,
ये डायग्राम पे थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रेस यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी आप एक काम कीजिए, इसके सेंटर से एक एक्सियल लाइन बना लीजिए, पॉइंट यहाँ पर आप ले लीजिए पी, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और ऊपर में एक एलिमेंट कट कर लीजिए, एलिमेंट से इसको आप ज्वाइन करा लीजिए। ये डिस्टेंस आपको, बिकॉज यहाँ पर ही सेंटर हम ओ लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, आर हो जाएगा। इसको ज्वाइन कीजिए आप कहाँ से, तो सेंटर से। सेंटर से डिस्टेंस को आप रेडियस ए एज्यूम कीजिए, जैसा पिछली बार किए थे। सी से पी तक का डिस्टेंस आप एक्स एज्यूम कीजिए। आर का वैल्यू आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, अगर ज़रूरत होगी तो पुट कर लेंगे। अब आपको सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना है डीएल एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पे। डीएल एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बायट सबर्ट लॉ से आप ऑप्टेन कर लीजिए। बायट सबर्ट लॉ आपके पास क्या है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाय फोर पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वेल, आप यहाँ तक आ जाइए, ये मान लीजिए इक्वेशन वन, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। अब एक काम करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करनी है, डी बी का डायरेक्शन किधर होगा। तो डी बी के डायरेक्शन की बात अगर हम यहाँ सोचते हैं, तो एक बात है कि आपने लिखा था वेक्टर फॉर्म में डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाय फोर पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यू, और डी एल क्रॉस आर के अलोंग आपका डी बी वेक्टर का डायरेक्शन था। क्रॉस प्रोडक्ट में मालूम है कि अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी हो, है ना, तो जो सी वेक्टर है, प्रोडक्ट है, ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। उस हिसाब से डी बी वेक्टर जो है डी एल के भी परपेंडिकुलर होगा, डी बी वेक्टर आर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए, आर वाला लाइन यहाँ पर है, इस पॉइंट पे इसके डायरेक्शन की बात करें, यहाँ से 90 डिग्री बनता हुआ दिखेगा। ओके, ये डी बी, ओके, और डी बी आपका आया कितना है इस वाले सिचुएशन में, हेयर जैसे बायट सबर्ट लॉ से लिख लिया आपने, आर तो छोड़ दीजिए, थीटा की बात करें, थीटा 90 है। यहाँ पर जो एंगल मैंने बताया था कि डी एल के साथ हमेशा जो भी रहेगा वो 90 डिग्री एलिमेंट के साथ बनाएगा, तो 90 हो गया। तो आपके पास डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाय फोर पाई आई डी एल साइन 91 कर लीजिए बाय आर स्क्वायर हो गया। चलिए इसको इक्वेशन टू मान लीजिए। अब इस डी बी के लिए थोड़ा सा कुछ उपाय करना पड़ेगा। उपाय क्या करें, एंगल हमको चाहिए, बहुत सारे एंगल मान लेंगे तब भी हमको दिक्कत है। चलिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस तरफ ड्रॉ करते हुए ये एंगल आप अल्फ़ा मान लीजिए। मैथ का रूल अप्लाई करके देख लीजिए, ये भी एंगल अल्फ़ा होगा। अब कैसे अल्फ़ा होगा, क्योंकि ये तो 90 था ना, और ये भी आपस में 90 था। चेक करके देख लीजिए, अगर मैथमेटिकली चेक करेंगे तो आपको दोनों एंगल अल्फ़ा मिलेगा। उसके हिसाब से डी बी का इस तरफ वाला कंपोनेंट डी बी कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, और डी बी का इस तरफ वाला कंपोनेंट, है ना, आपके पास डी बी साइन अल्फ़ा हो जाएगा, डी बी साइन अल्फ़ा। ठीक, इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा, बट आसान बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, एक एलिमेंट जस्ट उसके अपोजिट ले लेते हैं और फिर से इसको मिला देते हैं पॉइंट पी से। मिला देंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि दोनों आपको आइसोसेलस ट्रायंगल हो जाएंगे, उसके हिसाब से ये एंगल अल्फ़ा होगा। ओके, और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड डी बी जो होगा उतना ही होगा, और इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। नॉर्मल यहाँ से भी ड्रॉ कर दें तो ये एंगल फिर से अल्फ़ा होगा। अल्फ़ा है तो इधर डी बी कॉस अल्फ़ा, ओके, और इधर फिर से डी बी साइन अल्फ़ा। डी बी दो पार्ट में है, एक अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, है ना, तो जीरो से लेकर के यहाँ तक का लेंथ लोअर पोर्शन का, यानी पाई ए तक आना होगा, और फिर पाई ए से घूम करके टू पाई ए तक आना होगा, तब जा करके पूरा लेंथ कवर होगा। ओके, क्योंकि डी एल वेरिएबल है इसलिए इसकी बात कर लेनी है। अभी डी बी कॉस अल्फ़ा डी बी कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इफेक्टिव कंपोनेंट जो बचेगा, इफेक्टिव कंपोनेंट, वो डी बी का
डी बी डैश इज इक्वल टू, सेम डायरेक्शन में इसलिए वेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, एक डी बी साइन अल्फा ये लोअर वाले पोर्शन का होगा प्लस डी बी साइन अल्फा अपर वाले पोर्शन का होगा। ओके, अभी नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन बी ए की बात करेंगे तो हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी बी डैश को, जो कि इंटीग्रेशन आपका डी बी साइन अल्फा प्लस फिर से डी बी साइन अल्फा, चूँकि वेरिएबल डी एल है इसलिए यहाँ पर जीरो से लेकर के पाई ए तक, और यहाँ पर जीरो से सॉरी यहाँ पर पाई ए से लेकर के टू पाई ए तक, समझे। मैथ का रूल आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास फंक्शन सेम है तो इंटरमीडिएट लिमिट कैंसिल हो जाते हैं, ये सीधे सीधी हो जाएगा जीरो से टू पाई ए तक डी बी साइन अल्फा। ओके, जिसको आप लिख सकते हैं जीरो से लेकर के टू पाई ए, और डी बी साइन अल्फा को म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा, ये इक्वेशन नंबर मान सकते हैं कि थ्री है। यहाँ तक आप आ जाइए, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद अब आगे की बात बताते हैं। आगे की बात अब अगर यहाँ के बाद आप चलें तो देखिए आपके पास बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉन्स्टेंट फोर पाई कॉन्स्टेंट आई कॉन्स्टेंट आर भी कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि स्लांटेड डिस्टेंस किसी भी पोजीशन से लेंगे वो हर पोजीशन से आपको इक्वल मिलेगा, तो आर स्क्वायर को भी बाहर निकल लीजिए। अच्छा, अगर वर्टेक्स पे एंगल देखेंगे तो सबका अल्फ़ा होगा, और अल्फ़ा एंगल के साथ साइन जो लगेगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी साइन अल्फ़ा भी कांस्टेंट हो गया। अब आपके पास इंटीग्रेशन के लिए जीरो से टू पाई ए क्या बचा, डी एल, बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास रिजल्ट बड़ी आसानी से आ जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई म्यू नॉट बाय फोर पाई है ना आई बाय आर स्क्वायर। ट्रायंगल से देख लीजिए साइन अल्फा का वैल्यू आप ए बाय आर लिख सकते हैं, और वहाँ से वो टू पाई ए हो गया, सब कैंसिल कर लीजिए, आपके पास म्यू नॉट बाय टू आई ऊपर ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यू, इसको आप लिख लीजिए म्यू नॉट बाय टू आई ए स्क्वायर आर, आर आपके पास इतना था दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल का रूट का पावर थ्री, मतलब पावर थ्री बाय टू, ये एक्सियल लाइन पे एक्सप्रेशन आ गया। ओके, कोई अगर विश करता है कि हमको यहाँ से सेंटर ऑफ दी सर्कल पे भी जाना है और उसका एक्सप्रेशन निकालना है, कुछ नहीं, पॉइंट पी को शिफ्ट करते करते सी पे मिला लीजिए, जैसे ही सी पे लेके आ जाएंगे एक्स डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो फॉर द सेंटर आपको एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करना होगा, और एक्स इज इक्वल टू जीरो जैसे ही पुट करेंगे तो बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय टू आई ए स्क्वायर बाय, ये तो जीरो हो गया, ए का पावर थ्री बाय टू कट गया, ए क्यूब हो गया, कटने के बाद से बी एट सेंटर जो मिला रिजल्ट म्यू नॉट बाय टू आई बाय ए, जो पिछला रिजल्ट था वो आ गया। तो यहाँ से एक्सियल वाला रिजल्ट जो है वो सेंटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पॉइंट आपने सेंटर पे लिया था। ओके, तो इस तरह से आप एक्सियल वाले को जनरल एक्सप्रेशन मान सकते हैं, और यहाँ भी डायरेक्शन के लिए वही मैं जब बोला कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो आप एक काम कीजिए डायरेक्शन इनवर्ड ले लीजिए, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो डायरेक्शन आउटवर्ड ले लीजिए, काम हो जाएगा। अब एक और बात होती है, अगर कॉइल कंटेंस एंड टर्न, इसी में अगर कॉइल का टर्न नंबर ऑफ टर्न फिर से घूम घूम करके आए, तो मैंने बोला कि जितनी बार आएगा उतनी बार करंट ऐड होता जाएगा, तो इफ़ कॉइल कंटेंस एंड टर्न्स, तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन मॉडिफाई हो जाएगा, बी एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय टू
एन आई ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल का पावर 3/2। ओके, तो ये एप्लीकेशंस बेसिकली सर्कुलर कंडक्टर के लिए हो गया। एक एप्लीकेशन सेकंड भी देख लेते हैं, बैट सबट लो का, इसी के साथ इससे कोई करंट आई जा रहा है ऐसा मान लें, ऐसा एज्यूम कर लें कि इससे एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, एलिमेंट अपनी सुविधा से किसी प्लेस पे ले लें, एलिमेंट का लेंथ डीएल ले लें और डीएल के साथ इसको ज्वाइन कर लें। ओके, डीएल के साथ जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये डिस्टेंस आपका आर हो जाएगा। यहाँ तक के डिस्टेंस को आप एल एज्यूम कर लें। ओके, एंगल थीटा जो होता है बेसिकली करंट के डायरेक्शन और आर के बीच का होता है, वो भी आपको मिल गया। अब आप एक काम करें, क्या है कि यूज कर लें बायट सबट लॉ। बायट सबट लॉ क्या था, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन वन। इस इक्वेशन वन में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें, ध्यानपूर्वक जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है। पहला आपका डी एल वेरिएबल है, डी जिसके साथ लगा हो तो वेरिएबल होगा ही। दूसरा थीटा भी वेरिएबल होगा, हम डी एल यहाँ लिए थे, हम डी एल यहाँ भी तो ले सकते थे, जैसे ही यहाँ आते तो देखिए थीटा चेंज हो जाता। ओके, थीटा चेंज होता तो आर भी चेंज हो जाता, यानी थीटा और आर 3 वेरिएबल हमको यहाँ मिल गया। एक इक्वेशन 3 वेरिएबल है ना, कितने वेरिएबल थे 3, तो 3 वेरिएबल वो एक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए आपको कुछ और उपाय करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, ये वाला पार्ट जो है ना, ये एंगल फाइंड कर लीजिए, ये पाई माइनस थीटा होगा। मान लीजिए कि इस पॉइंट को आपने ओ मान लिया, ये सी है ना, तो इन राइट ट्रायंगल आपको मिल गया सी पी ओ। सी पी ओ ट्रायंगल में आप ध्यान दीजिए, दो चीज़ें होंगी, क्या क्या होंगी, एक तो आपको साइन पाई माइनस थीटा मिल जाएगा, वो कितना होगा तो एक्स डिवाइडेड बाय आर, और दूसरा आप टेन थीटा उसी ट्रायंगल से निकाल लीजिए, टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू आप देखिए एक्स बाय एल आएगा। चलिए, यहाँ से साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, मैथमेटिकली सबको ही जानते हैं, एक्स बाय आर, यहाँ से आपके पास साइन थीटा बाय एक्स इज इक्वल टू 1/r। थोड़ा और कोशिश करेंगे तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर, जब रिप्लेस करना होगा तो रिप्लेस कर लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एक और काम कर लीजिए, यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल, यानी एल इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय टेन थीटा, जो लिखना चाहें तो एल इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉट थीटा लिख सकते हैं। इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो अगर आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इधर डी एल बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स तो कॉन्स्टेंट, डी बाय डी थीटा ऑफ कॉट थीटा, कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया एक्स कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो डी एल चाहिए तो इधर डी थीटा लेते आइए और इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब यहाँ पर आप फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से देख लीजिए, तीनों इक्वेशन आपने ऑब्टेन कर लिया है, तीनों पुट करते जाइए तो आपके पास आ जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, और डी एल का वैल्यू एक्स कॉसेस का स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक साइन थीटा था उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, और इसके बाद से आप आ जाइए 1/r स्क्वायर, वो आपका था साइन स्क्वायर थीटा बाय एक्स स्क्वायर, जैसा इक्वेशन में दिख रहा है। अब सब कुछ कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करने के बाद से आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एक्स साइन थीटा डी थीटा ए डी बी, इक्वेशन 4 हो गया। अब यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि आपको कंडीशन क्या दिया हुआ है। जैसे यही कंडक्टर की बात करें, दोनों एंड अगर दिख रहा है तो पहला केस हो जाएगा फॉर फाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर। अगर फाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर की बात करें
तो फाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के केस में हमको दोनों एंड दिख रहा है, हमको बॉटम एंड से ज्वाइन करते हुए टॉप एंड को भी ज्वाइन करना पड़ेगा और करंट के साथ एंगल एक जगह थीटा वन मिलेगा, दूसरे जगह एंगल थीटा टू मिलेगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, एक काम कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लीजिए ड्यू टू इंटायर कंडक्टर। ये B इज इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, ओके, किसका, म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय एक्स साइन थीटा डी थीटा का, और इसमें लिमिट क्या है, थीटा वन से लेकर के थीटा टू तक है। तो एक काम कीजिए, जो जो कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, ओके, और कांस्टेंट को बाहर करने के बाद आपके पास इंटीग्रेशन में साइन थीटा डी थीटा, जिसका इंटीग्रेशन आप सभी को बड़ी आसानी से याद होगा, उसको पुट कर लीजिए। जब पुट कर लेंगे तो पुट करने के बाद आपको आ जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एक्स माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर लिमिट जो है थीटा वन से लेकर के थीटा टू तक है। आप चाहते हैं माइनस साइन ना रहे तो एक काम कीजिए, लिमिट को चेंज कर दीजिए, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस हो गया, लिमिट को रिवर्स कर दिए तो, और पुट कर लेंगे वैल्यू तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एक्स कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू आ जाएगा। वेल, यहाँ तक आप आ गए फाइनाइट लॉन्ग के लिए। ये एक्सप्रेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, बट कभी कभी क्या करता है ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल आपने लिया ना, ये पॉइंट के तरफ से देता है। एक एंगल आपके पास फाई वन दे देता है, दूसरा एंगल आपको फाई टू दे देता है, और तब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोलता है, ओके। ध्यान दीजिए, अगर ये एंगल आपको थीटा टू था, यहाँ पर 90 है, तो थीटा टू पाई बाय टू प्लस फाई टू होगा, और ये फिर से 90 दिख रहा है, और ये एंगल आपके पास थीटा वन था, तो थीटा वन इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस फाई वन होगा। अगर उस तरफ से एंगल देख रहे हैं, पॉइंट की तरफ से, कंडक्टर की तरफ से नहीं देख रहे हैं, तो तब यही इक्वेशन आपके पास म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एक्स, और ये आपको मिल गया कॉस पाई बाय टू माइनस फाई वन माइनस कॉस पाई बाय टू प्लस फाई टू, ओके, चेंज कर लीजिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एक्स, ये हो जाएगा कॉस नहीं क्या साइन फाई वन, और ये माइनस साइन फाई वन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपको जो फाइनल रिजल्ट बी का वैल्यू आ गया। वेल, तो ये बी का दोनों जो एक्सप्रेशन है वो फाइनाइट लॉन्ग के केस में ही है, जब यूज करेंगे तो पता चलेगा। जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात है, राइट हैंड पाम रूल आप इजीली यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर बात आपको ये आई है ना कि यहाँ पर कंडक्टर सेकेंड केस में इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट लॉन्ग, तो जब ये इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर होगा तो वैसे केस में क्या करना होगा, आपका दोनों एंड जो है, ओके, आपका दोनों एंड इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी और ऊपर जाने वाला प्लस इन्फिनिटी। देखिए, अब आपको कवर करने के लिए जो बॉटम एंगल है उसको रिड्यूस करना होगा, और आप इस तरह से देखते जाइए, एंगल रिड्यूस होते जा रहा है। जब इन्फिनिटी जाने की बात होगी तो ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगा, और तब ये एंगल यहाँ पर जो बन रहा है रिड्यूस होकर के जीरो हो जाएगा, यानी थीटा वन 0 डिग्री, ओके। और इसी तरह से जब आप इधर बढ़ना शुरू करेंगे, ओके, तो ये एंगल आपको इनक्रीज करेगा दोनों सिचुएशन में। एक केस में तो ये जो एंगल था इस तरह से, ओके, वो रिड्यूस होकर के बॉटम पॉइंट पे है ना, दोनों पैरेलल हो गए, और एक जो था ये इस तरह का एंगल था, ऊपर जाते जाते ये स्ट्रेट हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, तो यहाँ पर जो एंगल है थीटा टू वो पाई के बराबर हो जाएगा।
तो सब कुछ एज इट इज रखते हुए है ना, हमारा यहाँ जीरो, यहाँ पर आपको पाई, जीरो पाई, ओके, यहाँ पर आपके पास पाई रिवर्स हो गया और जीरो, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे कॉस जीरो, यहाँ पर पुट करेंगे कॉस पाई, ओके, जो कि रिजल्ट दे देगा है ना म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाय एक्स और वन माइनस माइनस वन मतलब टू, ओके, इस टू को चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं और चाहे तो टू यहाँ रख सकते हैं, ओके, यहाँ से रिजल्ट मिल गया। आपका एक क्वेश्चन और हो सकता है कि सर ये वाला एक्सप्रेशन तो दे दिया रिजल्ट, क्या होगा सेकंड वाले एक्सप्रेशन के केस में, ओके, तो सेकंड वाले एक्सप्रेशन के केस में भी थोड़ा सा फिर से वापस हम डायग्राम पे आना चाहेंगे, ओके, डायग्राम पे आने के लिए हमको क्या करना है, प्लॉट कर लें फिर से इस तरह से। देखिए यहाँ पर पॉइंट था और ये आपका बेसिकली थीटा वन था पहले और ये आपका फाई वन था। मैंने बोला कि मिलने की बात आएगी इन्फिनिटी जाने की, तो यहाँ से आप जाएंगे तो पैरेलल लाइन हो जाएगा, तो फाई वन जो है इंक्रीज करके पाई बाय टू हो जाएगा और ऊपर मिलने की बात होगी तो फिर से ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ भी जो एंगल दूसरा आपने लिया था ये फाई टू भी इंक्रीज करके पाई बाय टू हो जाएगा। एक काम कीजिए, यहाँ से फाई वन को पाई बाय टू पुट कीजिए, फाई टू को पाई बाय टू पुट कीजिए, साइन पाई बाय टू और साइन पाई बाय टू वन प्लस वन टू हो जाएगा, फिर से रिजल्ट आपका यही आ जाएगा। तो फिर से दोनों फार्मूला आपको सेम रिजल्ट देंगे, बस एंगल का व्यू डिफरेंट फेस से है बोल सकते हैं, एक कंडक्टर के फेस से है, दूसरा पॉइंट के फेस से है, अकॉर्डिंगली आपको वेरिएशन आ रहा है एक्सप्रेशन में, है तो एक्सप्रेशन दोनों एक ही, ओके। ये बात हो गई आप जब फाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर की कर रहे हैं तो। एक थोड़ा सा अलग टर्म मिलेगा, ये मैं भी जब पढ़ता था तो फंसा था इसमें, ओके, सेमी इनफाइनाइट कन्फ्यूजिंग है क्योंकि जब मैथ में हमने पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा, इन्फिनिटी बाय टू इज ऑल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी, तो भाई सेमी इन्फिनिटी का चक्कर क्या है, सेमी इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है। यहाँ पर फिजिक्स के सेंस में समझना है, फिजिक्स के इन्फिनिटी और मैथमेटिक्स के इन्फिनिटी में काफ़ी डिफरेंस है, ये कभी चर्चा होगी तो बताएंगे। देखिए अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट हूँ मान लो, और मेरा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ले सकते हैं, तो राइट साइड अगर प्लस इन्फिनिटी है तो लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी होगा, और अगर दोनों तरफ मुझे इन्फिनिटी दिख रहा है तो दैट इज़ द केस ऑफ द इन्फिनिटी। बट अगर मैं अपने पोजीशन को शिफ्ट करके लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाऊं या पोजीशन को शिफ्ट करके राइट कॉर्नर पे आ जाऊं, तो इस केस में एक ही तरफ इन्फिनिटी दिख रहा है, दूसरे तरफ हमको ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्लियर दिख रहा है, तो वैसे केस में हम इसको इन्फिनिटी नहीं ले सकते, ओके। तो देखिए सेमी इन्फाइनाइट के केस में भी चेंज क्या होगा, तो ऐसे केस में देखिए ये जो है ना एंड पे जाना होगा, एंड पे जाने के लिए देखिए पॉइंट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, कहाँ पर बढ़ते जाएगा, सी के तरफ, ध्यान दीजिएगा सी के तरफ, और सी पे जब ओवरलैप कर गया, ओके, तो थीटा वन, ओके, यहाँ पर जो थीटा वन का एंगल है वो यहाँ दिख रहा है, ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 90, ओके। और थीटा टू की बात करेंगे तो ठीक है, वो तो पहले जैसे पाई हो गया था वैसे ही पाई हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिमिट पुट कर लिया आपने, इसको लिमिट पुट करते जाइए, लिमिट पुट करते जाइए, उसके बाद से देखिए 90 हो गया, कॉस 90 जीरो, कॉस पाई माइनस वन, जब पुट कर देंगे तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट एग्जैक्टली हाफ आया है पहले वाले रिजल्ट से, ओके। अब आप सोचेंगे कि इस इक्वेशन का यूज़ कैसे करेंगे, तो वंस अगेन एक एंड तक जाने के लिए आपको ये पॉइंट शिफ्ट करना होगा स्लोली स्लोली, और तब इसके साथ ही ओवरलैप करेगा। आप देखिए ऐसे केस में फाई वन डिक्रीज करते हुए जीरो हो जा रहा है, फाई टू पाई बाय टू, तो यहाँ पर सिर्फ फाई वन का वैल्यू पुट कीजिए जीरो और साइन फाई टू का वैल्यू वन, फिर से रिजल्ट आपके पास वही आ जाएगा, तो रिजल्ट सेम आया। अब रिजल्ट आ गया, जहाँ तक डायरेक्शन की बात है तो मैंने बहुत बार आपको क्लियर बताया कि राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर लीजिए, इसमें कोई समस्या कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा।